आज हम एजुकेशन पे लोगो क्रिएट करेंगे और ये आप देख रहे हैं पांच ऑप्शन जो मैंने आइकन निकाल कर रखे हुए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस में लोगो क्रिएट किए हैं इसी तरह आज भी हम ऑप्शन क्रिएट करेंगे और मज़ीद हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा और हम मज़ीद लोगो क्रिएट कर सकेंगे। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा काइंडली वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगो क्रिएट करूं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और वो भी लोगो क्रिएट कर सकें। चलते हैं हम अब लोगो क्रिएट करने की तरफ। और आपने देखा कि मैंने किस तरह से जूम इन कर दिया और मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और आपने देखा कि मैं किस तरह से लोगो क्रिएट कर रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है पेन टूल यूज़ करना। पिछली वीडियोस में भी आपने देखा कि मैंने किस तरह से लोगो क्रिएट किया, आज भी हम अच्छे लोगो क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो सके और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और मज़ीद अच्छे लोगो क्रिएट कर सकें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखें आप मैंने किस तरह से काफ़ी हद तक जो है वो मैं क्रिएट कर लिया है। अब थोड़ा सा रह गया हिस्सा, वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखें मैं किस तरह से इसे जो है लोगो क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से लोगो क्रिएट करें ताकि आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और मज़ीद आप आगे बढ़ सकें। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है हमने जो है लोगो क्रिएट कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी इसी तरह के लोगो क्रिएट करें ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके और आप भी अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह से काफ़ी हद तक लोगो क्रिएट कर लिया है, बस अब हम इसमें जो है फ़ॉन्ट ऐड करेंगे और हमारा जो लोगो है वो क्रिएट हो जाएगा। और मैंने इसे ग्रुप करवा दिया सेलेक्ट करके और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से जो है टेक्स्ट इसमें ऐड करवा रहा हूँ। मैंने ये एजुकेशन टाइप कर लिया, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो है इजीली जो है वो फ़ॉन्ट मैंने जो है वो लिख लिया। और आप इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट जो है टाइप कीजिएगा और हमने जो है कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से ना सेटिंग कीजिएगा। और अब हम जो है फ़ॉन्ट जो है सेलेक्ट करने वाले हैं, जो हमें पसंद आए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एक जो है फ़ॉन्ट जो हमें समझ में आ गया और मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। और आप इस तरीके से कॉपी लीजिएगा और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक और जो है फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमें ये पसंद आ गया है। तो आप इस तरीके से थोड़े से ना सर्च कीजिएगा कि किस तरह से लोगो हमें क्रिएट करना है, किस तरह से ना हमें समझ में आ रहा है, तो उसी तरीके से आप जो है वो ऑप्शन क्रिएट करें ताकि मज़ीद ऑप्शन हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग मज़ीद आगे बढ़ सकेंगे। और ये आपने देखा कि हमने किस तरह से एक और फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, ये मुझे जो है पसंद आ गया है। और अब मैं जो है टैग लाइन ऐड करवाऊँगा ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और हमारा लोगो जो है वो क्रिएट हो सके। कोई मुश्किल नहीं है, लोगो बनाना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है लोगो में बना रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों के लिए और भी ऑप्शन क्रिएट करूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और आप आगे बढ़ सकें। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा एक ऑप्शन क्रिएट हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया, बहुत ही इजी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लोगो क्रिएट कर लिया। आप इसी तरीके से लोगो क्रिएट करें और हम मज़ीद आगे बढ़ें ताकि हम मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें। और ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पेन टूल मूव करवा रहा हूँ, आप इसी तरीके से पेन टूल मूव करवाइएगा ताकि आप भी मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी बस मेरा पेन टूल नोट करते रहें और समझते रहें कि मैं आप लोगों को किस तरह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें और मज़ीद आप अच्छे जो है लोगो क्रिएट कर सकें और आप भी मज़ीद आगे बढ़ सकें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने लोगो क्रिएट कर चुके हैं और हम मज़ीद आगे और भी क्रिएट करें ताकि मज़ीद हमारे जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें।
और ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है हमारा लोगो वो क्रिएट हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये हमारा जो है एक और ऑप्शन जो है वो क्रिएट होने वाला है, कोई मशीन नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मूव करवा रहा हूँ एंकर पॉइंट, आप भी इसी तरीके से एंकर पॉइंट मूव करवाइएगा ताकि आपके मज़ीद ऑप्शन क्लियर हो सकें। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है लोगो वो क्रिएट हो गया, कोई मुश्किल नहीं था। आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से लोगो क्रिएट कर लिया, बस हमने इसमें जो है फॉन्ट ऐड करवाना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है एक और ऑप्शन क्रिएट कर लिया। ये आप देख सकते हैं आई ड्रॉपर की मदद से मैंने इसे कलर भी फिल करवा लिया, और अब मैंने जो है एजुकेशन का जो टेक्स्ट है वो मैंने पहले से रखा हुआ था, जो हमें पसंद आया तो मैंने उसको जो है वो कॉपी ले ली। और ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से थोड़ा सा उसे बड़ा कर दिया ताकि हमारा जो है ऑप्शन है वो खूबसूरत सा क्रिएट हो जाए और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से लोगो क्रिएट कर लिया, आप भी इसी तरीके से ऑप्शन क्रिएट करें ताकि आपका भी जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर सके और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से दो ऑप्शन क्रिएट कर लिए हैं और मज़ीद आगे बढ़ने ताकि हम मज़ीद और ऑप्शन क्रिएट कर सकें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। आप भी ये देख सकते हैं कि हम मज़ीद आगे बढ़ गए हैं और हम मज़ीद एक और ऑप्शन क्रिएट करें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें और भी ऑप्शन क्रिएट कर सकें, कोई मुश्किल नहीं है। पेन टूल यूज़ करना, ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आई ड्रॉपर से कलर दे दिया, और अब मैंने अगेन जो है वो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो लोगो वो क्रिएट हो सके और मज़ीद हम इसके ऑप्शन जो है वो बना सकें। आप भी इसी तरीके से लोगो बनाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप भी आगे बढ़ सकें, मज़ीद इस तरह के ऑप्शन क्रिएट करें। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से एक और ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं था लोगो बनाना। आप भी इसी तरह के लोगो डिज़ाइन करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप भी जो है अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, इसमें ना कोडिंग है, बिल्कुल ही आसान सा काम है। ये देखें सिर्फ थोड़ा सा समझने का काम है जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग जो है वो डिज़ाइन करें, इंशाल्लाह आप भी जो है अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लोगो जो काफ़ी हद तक हमारा जो है वो बन चुका है, बस मैं अब जो है ना ऑब्जेक्ट में आकर एक्सपेंड करवा रहा हूँ ताकि हम लोग का लोगो जो है वो क्रिएट हो सके। और ये देखिए कि मैंने किस तरह से एक्सपेंड करवाया ऑब्जेक्ट में आकर, और मैं थोड़ी सी मदद इसकी सेटिंग कर लूँगा ताकि हमारा जो लोगो वो परफेक्ट हो जाए और मैं इसमें सिर्फ फॉन्ट ऐड करवाऊँ। तो आप भी इसी तरीके से सेटिंग कीजिएगा ताकि आप भी मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें और अच्छे से अच्छे लोगो क्रिएट कर सकें। ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है वो लोगो क्रिएट कर लिया, और मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे जो है कलर है मैंने फिट कर दिया थोड़ा सा डार्क ब्लू, और अब मैं इसका भी थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, वो थोड़ा सा लाइट था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो लोगो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉ हो चुका है, बस अब मैं इसमें फॉन्ट ऐड करवाऊंगा थोड़ी सी सेटिंग करके। और ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से एक और ऑप्शन क्रिएट कर लिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा एक और ऑप्शन क्रिएट हो गया है और हम मज़ीद आगे बढ़े ताकि हम मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें, कोई इतना मुश्किल नहीं है लोगो क्रिएट करना, बहुत ही आसान है, और मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से गाइड कर रहा हूँ। और आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन करें, इंशाल्लाह आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप भी अच्छे डिज़ाइनर हो जाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैं जिस तरह से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ आप उसी तरीके से जो है पेन टूल नोट करते रहें और इसी तरीके से ड्रॉ करते रहें, इंशाल्लाह आप भी अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को कोई गाइड नहीं करेगा जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ जो है फोकस करें मेरे काम को और इंशाल्लाह जो है आप लोग अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सा मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और बहुत ही इजीली आपको को जो है ऑप्शन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ किस तरह से हम लोग मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप भी मज़ीद ऑप्शन क्रिएट करेंगे ताकि जो है क्लाइंट भी आप लोगों का खुश हो जाए और आप लोगों को क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा काम दे और आपका जो है काम अच्छा चलता रहे।
और ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है हमारा लोगो है वो क्रिएट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो है लोगो वो क्रिएट हो जाए, ताकि हम मज़ीद ऑप्शन क्रिएट कर सकें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, बस आप लोग जो है वो नोट करते रहें और इसी तरीके से आप लोग ड्रॉ करें, इंशाल्लाह जो है आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से जो है लोगो को क्रिएट कर लिया है, बहुत ही आसान है और मैं बस थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ ताकि हम फिर इसमें फॉन्ट ऐड करवाएं और ये हमारा लोगो जो है वो कंप्लीट हो जाए। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से अगेन जो है मैंने फ़ोन की कॉपी ले ली है अल्ट की मदद से और हमारा जो है एक और लोगो वो क्रिएट हो गया। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से गाइड कर रहा हूँ। ये आप देखें और हम मज़ीद आगे बढ़ लें ताकि हमारा जो है एक और लोगो क्रिएट हो सके और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। कोई मुश्किल नहीं है, लोगो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है वो लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से लोगो क्रिएट करें और देखें कितने अच्छे से ऑप्शन क्रिएट हो गए हमारे। और मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया अगेन और हम जो है नेक्स्ट लोगों की तरफ मूव कर रहे हैं और ये देखेंगे मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो ड्रॉ करना और लोगो बनाना। आप भी इसी तरीके से जो है लोगो क्रिएट करें, इंशाल्लाह आपका भी जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा और मज़ीद आप लोग जो है वो लोगो क्रिएट कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से एंकर पॉइंट मूव करवा रहा हूँ, किस तरह से जो सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से मूव कर रहा हूँ, इसी तरीके से सेटिंग करें। इस तरह से ही आप लोग जो है फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करें, बहुत ही इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप लोग जो है वो थोड़ा समझने की करें कि मैं किस तरह से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और आप लोग भी इसी तरीके से डिज़ाइन करें ताकि आप भी जो है अच्छे डिज़ाइनर बन सकें और मज़ीद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से काफ़ी हद तक जो है हमारा लोगो वो क्रिएट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया और ये भी हमारा लोगो जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा और मज़ीद हम और भी ऑप्शन क्रिएट कर सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। आप भी इसी तरीके से लोगो क्रिएट करें ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो और आप भी मज़ीद आगे बढ़ सकें। या आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से जो है काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। या आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से डिज़ाइन करें मज़ीद ऑप्शन ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें और हम आगे बढ़ सकें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने देखा कि मैं किस तरह से एंकर पॉइंट मूव करवा रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से मूव करवाएं, इसी तरीके से सेटिंग करें ताकि जो है मज़ीद हम लोग ऑप्शन क्रिएट कर सकें। और ये भी हमारा लोगो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने ऑप्शन क्रिएट कर लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है लोगो क्रिएट करना। और मैं किस तरह से देखो कि मैं लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके सामने, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। आप थोड़ा सा बस समझते रहें कि मैं किस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से ऑप्शन क्रिएट कर सकें। और मैं बस थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ ताकि जो हमारा लोगो है वो क्रिएट हो सके, फॉन्ट ऐड करवा के इसे कम्प्लीट कर लें। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह सेटिंग कर रहा हूँ, आप इस तरीके से जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेट करें ताकि आपका भी जो है वो लोगो क्रिएट हो जाए और मज़ीद आप लोग ऑप्शन क्रिएट कर सकें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से लोगो क्रिएट कर लिया, बस मैं अब इससे जो है फिल कलर कर रहा हूँ। ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से फिल कलर कर दिया इस ड्रॉपर की मदद से और मज़ीद हम आगे बढ़ लें ताकि हमारा जो है वो लोगो वो क्रिएट हो सके। और मैं अब इसमें फॉन्ट ऐड करवा रहा हूँ। ये आपने देखा कि हमारा जो लोगो है वो किस तरह से क्रिएट हो गया, बहुत ही अच्छा सा और खूबसूरत ऑप्शन हमारा जो है वो लोगो क्रिएट हो गया। ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है पांच ऑप्शन क्रिएट कर लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये आपने देखा कि हमने किस तरह से आज जो है पांच एजुकेशन के लोगो वो क्रिएट कर लिए। इसी तरीके से आप भी लोगो क्रिएट करें ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।